हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कराऊंगी। उससे पहले बच्चों, मैं आपको बता देती हूं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं और प्लस काल्पनिक संख्याएं, दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं मिलकर बनाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो बच्चों, जो वास्तविक भाग है वो हमने ए सपोज कर लिया और काल्पनिक भाग को हमने बी सपोज कर लिया। तो सम्मिश्र संख्या को हमने एक्स से डिनोट किया है, तो एक्स हो जाएगा ए प्लस आई बी। बच्चों, आई का मतलब होता है इमेजिनरी, आई के साइड में जो भी टर्म है इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है, और जहाँ पर आई के साइड में कोई टर्म नहीं है वो वास्तविक संख्या है। तो ए वास्तविक है और बी काल्पनिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए वास्तविक भाग है और बी काल्पनिक भाग है। इसके बाद बच्चों, आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करनी है, जिसमें है आई स्क्वायर। बच्चों, आई स्क्वायर इक्वल होता है माइनस वन के, और आई क्यूब इक्वल होता है, जब आई क्यूब को आप डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, आई स्क्वायर इंटू आई। तो बच्चों, आई स्क्वायर अभी मैंने बताया माइनस वन के इक्वल होता है, और आई एज इट इज माइनस वन के आई में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई, तो आई क्यूब आपके पास माइनस आई आ जाएगा। उसी टाइप से आई की पावर 4 को आप आई क्यूब इंटू आई लिखेंगे, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई अभी हमने ऊपर निकाली है मल्टीप्लाई में आई, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा। और आई स्क्वायर माइनस के वन होता है और माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो ये प्लस वन हो जाएगा, यानी कि आई की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगी? प्लस वन के। और बच्चों, एक बात और बता देती हूँ, अगर रूट में कोई भी टर्म गिवन है आपको, तो इसका मतलब जब आप उसे माइनस को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो आई की फॉर्म में बाहर आएगा, तो रूट टू आई आ जाएगा। अगर आपको सपोज माइनस फोर गिवन है तो माइनस के लिए तो आई आएगा, और फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है? टू, तो टू आई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं को ए प्लस आई बी के रूप में लिखिए, यानी कि आपको जो संख्या गिवन है उनको ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है आपको। तो फर्स्ट आपको गिवन है, ये फर्स्ट है आपको गिवन है 5i मल्टीप्लाई में माइनस 3/5i। बच्चों, मैंने बताया था रियल टर्म एक साथ रख लेते हैं, तो रियल 5 और माइनस 3/5 है, इनको एक साथ लिख लिया, फिर आई इंटू आई इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ लिख लिया। बच्चों, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 बचेगा, आई इंटू आई आई स्क्वायर होते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों इसमें 3 के साइड में आई नहीं है, तो ये सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, तो आप 0 इंटू आई लिख देंगे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास कुछ नहीं आया है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ये है बच्चों आई की पावर माइनस 39, जो टर्म ऊपर माइनस में होती है नीचे प्लस में जाती है, तो 1/ आई की पावर 39। जो अभी मैंने आपको बताया था आई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके इस टाइप से लिखेंगे कि वैल्यू ज़्यादातर 1 बन जाए। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास 39 है इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों, जब आप 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 4 9 36 पे चलेगा, और इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी कि आई की पावर 4 की पावर 9 तो आपका यहाँ आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचता है उसे आप साइड में लिख देते हैं आई की पावर करके। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 9, और आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई, अभी बताया था आपको, तो 1 की पावर 9 1 हो गया, तो 1 इंटू माइनस आई माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, बच्चों नीचे आया है माइनस के आई, अब नीचे जब आई आता है तो उसको छोड़ते नहीं है नीचे ऐसे, तो हमने क्या किया, आई की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दी और नीचे भी कर दी, तो ये तो माइनस आई हो जाएगा, और नीचे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई बच जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास आई आ गया, यानी कि अब की बार आपके पास इमेजिनरी पार्ट आया, रियल पार्ट ज़ीरो है आपके पास, तो ज़ीरो प्लस आई लिखेंगे आप इसे, क्योंकि रियल पार्ट ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों, इसमें कहा है 1 - i - -1 + 6i। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -6, जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे 1 + 1 करके, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे। तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखने के लिए आई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 + 6 हो जाएगा, जो भी कितना होता है 7, तो ये 7 आई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 1/3 + i 7/3 + 4 + i 1/3 - -1 4/3 + i, ये कहा है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को हटा दिया हमने, ठीक है, फिर हमने क्या किया, रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया 1/3 + 4 और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखने के लिए आई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7/3 एंड 1/3, ठीक है, और इस टर्म को अभी हमने एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो ये 13/3 बन जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 3 तो सेम है एलसीएम, तो 7 + 1 बनेगा, यानी कि 8i/3 हो जाएगा ये। और फिर हमने इस ब्रैकेट को हटाया तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, +4/3 - i, ये टर्म बन जाएगी। फिर से आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो आई कॉमन लेंगे इमेजिनरी पार्ट में, तो 8/3 - बिकॉज बच्चों यहाँ पे आई सिंगल था तो आई ही कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो 17/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 आई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें बच्चों आपको सिर्फ इसकी क्यूब खोलनी है, तो इसकी क्यूब कैसे खोलेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 2 + 1/3 i की होल क्यूब हो गया। बच्चों माइनस की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही बाहर आता है, ठीक है, तो 2 + 1/3 i की होल क्यूब हो गया। अब इसकी क्यूब आपको खोलनी है बच्चों, तो a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला आप इसमें खोल देंगे, ठीक है, और उसमें a के प्लेस पे आप 2 पुट कर देंगे और b के प्लेस पे आप 1/3 पुट कर देंगे, ठीक है, वही इसमें किया है। तो 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, 1/3 i की क्यूब है तो 1 की 3 by 1 3 की 3 times 27 i की 3 times i क्यूब ही रहेगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल तो 2i बचा और अंदर वाली टर्म अभी एज इट इज़। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई दोनों में होती है, तो पहले 2 में कर दी 4i आ गया, फिर उसके बाद 1/3 i में कर दी, तो 2 की तो 1/3 में होगी तो 2/3 और i की i में होगी तो i2, ओके। अब आपको क्या करना है कि i क्यूब जो होता है वो माइनस i होता है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए तो -1/27 i आ जाएगा। इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी हमने, ठीक है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिख लेंगे और जो रियल पार्ट है हमारे 8/2 उसको एक साथ लिख लेंगे। तो बच्चों इसमें हमारे पास रियल पार्ट है 8 - 2/3 और इमेजिनरी पार्ट में हमने आई को कॉमन ले लिया तो 4 - 1/27 बच गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 22/3, इसे सॉल्व किया तो 107/27 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा -22/3 and -107/27 i, ये बन जाएगा आपके पास। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें कहा है निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है 4 - 3 i का आपको निकालना है। बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, जो भी टर्म गिवन होती है आपकी उसको अपोजिट कर देते हैं। तो 4 - 3 i का अपोजिट क्या होगा, 1/4 - 3 i, उल्टा लिख दो इसे, ठीक है। तो हमने इसको उल्टा लिख दिया। अब मैंने बताया था आपको नीचे आई नहीं छोड़ते हैं हर में, तो इसमें आई आ रहा है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी,
ऊपर भी और नीचे भी। तो माइनस का अपोजिट क्या होता है बच्चों? प्लस। तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी हमने। मल्टीप्लाई मैंने बताया था सामने सामने होती है। तो वन की फोर प्लस थ्री आई में वन प्लस थ्री आई, फोर माइनस थ्री आई की फोर प्लस थ्री आई में करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए माइनस बी और ए प्लस बी का, किसके इक्वल होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे फोर का स्क्वायर माइनस थ्री आई का होल स्क्वायर। अब फोर का स्क्वायर तो बच्चों सिक्सटीन हो गया, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, आई पे स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस वन होती है। तो माइनस पहले से ही है, ये प्लस के नाइन हो गया। अब बच्चों नाइन और सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। अब फोर के नीचे ट्वेंटी फाइव आएगा और थ्री के नीचे भी ट्वेंटी फाइव आएगा, क्योंकि ट्वेंटी फाइव दोनों पार्ट्स के नीचे है। तो अलग अलग हम इसे लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित संख्या को ए प्लस आई बी के रूप में लिखिए। यानी कि ये जो संख्या आपको गिवन है इसको आपको ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है। अब बच्चों इसमें स्टार्टिंग में आपको गिवन है थ्री प्लस आई रूट फाइव और थ्री माइनस आई रूट फाइव, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली टर्म ए होती है तो थ्री है तो ए स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म बी होती है जो कि है आई रूट फाइव, तो आई रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे जो माइनस दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस रूट थ्री और माइनस माइनस प्लस आई रूट टू हो जाएगा। जो थ्री को थ्री के स्क्वायर को खोलेंगे ये नाइन हो जाएगा, आई रूट फाइव का स्क्वायर है इसको खोलेंगे तो आई स्क्वायर फाइव, क्योंकि रूट फाइव की बच्चों टू टाइम मल्टीप्लाई अगर आप खोलेंगे तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना आता है? फाइव आता है ना। तो ये आपके पास फाइव आ जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन होता है, और माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, नाइन प्लस फाइव। ठीक है, अपॉन टू रूट टू आई। जो मैंने बताया था जो रूट वाली टर्म होती है और आई वाली टर्म दोनों ही नीचे नहीं छोड़ी जाती, तो आई रूट टू की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड कर देंगे तो नाइन प्लस फाइव फोर्टीन हो जाएंगे बच्चों आपके पास। और टू रूट रूट टू की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं छोड़ी जाती है, तो रूट टू आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, टू से फोर्टीन को कैंसिल कर दिया, सेवन आ गया। ठीक है, तो सेवन रूट टू आई हो जाएगा ऊपर, तो नीचे रूट टू की रूट टू में करेंगे, टू आई की आई में करेंगे, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा सेवन रूट टू आई अपॉन टू। अब बच्चों यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट के प्लेस पे ज़ीरो पुट कर दिया हमने माइनस, और ये टर्म आज इट इज़। ठीक है, तो ए प्लस आई बी के रूप में लिखता था, ये टर्म ए हो गई, फिर आई और ये वाली टर्म बी हो गई। ठीक है, तो ये प्लस आई बी के रूप में आपका आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों आपको इतना ही करना है। थैंक यू।